कुछ दिन पहले केरल के मल्लापुरम से गर्भवती हथनी को विस्फोटक फल खिलाने का मामला सामने आया था। अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई है। केरल की 3 जून की ये घटना तो आपको याद ही होगी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना केरल की थी, जहां एक गर्भवती हथनी को अनानास में विस्फोटक खिला दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला। मामले में एक हत्यारा भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में इस घटना पर जाहिर किए गए रोष के बाद लगा कि अब इस तरह के कृत्य करने वाले इंसान का नकाब पहने शैतानों को अक्ल आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केरल के बाद हिमाचल में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के झंडुता इलाके में एक गाय को किसी ने विस्फोटक का गोला बनाकर खिला दिया, जिससे गाय बुरी तरह से जख्मी हो गई। आज हम बोलते हैं कि गौ रक्षा करो। गौ रक्षा क्या की जाए? ये मैंने गाय पाल रखी है, 1-2 दिन में ये बच्चा देने वाली है। अब ऐसे निर्दयी लोग हैं, ऐसे अत्याचारी लोग हैं, जिन्होंने इसको देखिए कि कैसी कंडीशन में इसको जानवरों के लिए कोई घोड़ा बना के, कोई बम बना के इसको खिला दिया है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारा पड़ोसी है, साथ में नंदलाल है नाम इसका, मिस्त्री का काम करता है, दीवान है ये, ठीक है। इसने जानबूझ के ये काम किया है और अभी घर से भाग गया है, और अभी घर वाले क्या बोलते हैं कि कर लो जो कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनको किसी भी उससे ना तो प्रधान से डर है, ना किसी पुलिस वाले से डर है, हैं? तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जो है जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। घटना को लेकर एक बार फिर से जनता में रोष देखने को मिला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं और DSP ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आज मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, यदि इसमें किसी का कोई फॉल प्ले है और घटना में जो कोई यदि स्लिप्ट है तो उसके खिलाफ जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आम जनता से अपील है कि इसको जो है कोई सांप्रदायिक रंग ना दें और जो है वो शांति बनाए रखें। मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि किसी भी हालत में ऐसी करतूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि उस बैठक के पहले जानकारी थी नहीं, आप जानकारी दे तो मैं पता करूंगा और निश्चित रूप से अगर ऐसा किया होगा तो बहुत जघन्य कार्य किया है और उस पर कार्यवाही करेंगे। क्योंकि उस बैठक के पहले जानकारी थी नहीं, आप जानकारी दे तो मैं पता करूंगा और निश्चित रूप से अगर ऐसा किया होगा तो बहुत जघन्य कार्य किया है और उस पर कार्यवाही करेंगे। गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में पूरा देश हिल गया था। ऐसे में बिलासपुर की इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना यह है कि इस मामले में जांच कब तक पूरी होती है और दोषियों पर कब तक शिकंजा कस पाता है। शिमला से उमेश शर्मा और स्पेशल डेस्क से विनय चौधरी, खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कुछ शरारती तत्वों ने एक गाय को उसके खाने के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद गाय का जबड़ा पूरी तरह से जख्मी हो गया।